नमस्ते। या पर इस वीडियो के दौरान जो भी फोटोशॉप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर जो मोबाइल से क्लिक किया है एंड देख पाओगे यहाँ पर फोटो के ऊपर जो डिटेल्स से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो फोकस हो जाए, ब्लर हो जाए, काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। इवन DSLR जैसे यहाँ पर जो ब्लर देखने को मिल गया है, इवन जूम करने के बाद भी काफ़ी बढ़िया जो डिटेल्स देने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने गूगल कैमरा 8.5 से ये सभी जो फोटो से क्लिक किया है मोबाइल फोन के साथ एंड फोटो का जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। देख पाओगे यहाँ पर जो काफ़ी हद तक वाइब्रेंट कलर देने को मिलेगा, एक्यूरेट कलर है एंड काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिल गया है। एंड आपको फोटो सैंपल कैसे लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हैं। फोटो के ऊपर जो डिटेल्स से काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर जो है कलर हाईलाइट एंड शेडो के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। एंड इस GCam के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फोटो के ऊपर जो नॉइस उसे रिड्यूस किया गया है, काफ़ी बढ़िया आप जो है पर सोशल मीडिया रेडी फोटो को क्लिक कर सकते हो इस GCam के साथ एंड वाइब्रेंट कलर देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है सैचुरेशन प्लस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो काफ़ी बढ़िया बैलेंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस को एनेबल कर सकते हो नाइट साइड मोड के ऊपर, प्लस HDR एनहांस मोड को यूज़ कर सकते हो बेटर फोटोग्राफी करने के लिए। प्लस यहाँ पर जो है इस GCam को एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सेल्फी के साथ पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आप बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा, यहाँ पर नाइट सेट मोड भी काम कर जाएगा, प्लस EIS OIS वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं इस GCam के साथ एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस GCam को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ भी ये जो GCam का जो बिल्डर काम कर जाएगा, सभी रेडमी, पोको, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नथिंग फोन 1, आईक्यू, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ ये जो GCam का जो बिल्डर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन, एक्जिनोस, मीडियाटेक सभी के साथ काम करता है। एंड ये जो GCam का जो बिल्ड है दोस्तों, यहाँ पर स्टेबल बिल्ड है एंड इस तरह से आप जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो आपको बेटर डायनेमिक रेंज देने को मिलेगा एंड काफ़ी हद तक कॉन्ट्रास्टी फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो है बैलेंस देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो को क्लिक कर पाओगे। एंड आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। ना पर बात कर लेते हैं पर यूजर इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर इस GCam के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है BSG करके डेवलपर की तरफ से ये जो GCam का जो बिल्ड है देने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस GCam को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो है मोनेंड UI का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मेटेरियल यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा एंड क्लोज टू नेचुरल कलर देने को मिलेगा ऑटो वाइड बैलेंस के साथ। यहाँ पर HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, इसे एनेबल करने के बाद जो है मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो को क्लिक करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर जो डिटेल्स देने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पर फोटो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देने को मिलता है। बट यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ फोटो को क्लिक करने के बाद जो फोटो सेव होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो को क्लिक किया जाता है इसलिए। एनीवे यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाकर जो रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करना होगा। यहाँ पर टॉप शॉट का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस टाइमर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर 16:9, 4:3 का ऑप्शन है। यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप सिंपली डबल टैप करके जूम कर सकते हो। यहाँ पर 10x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो है आप सिंपली टैप करके
पर जो ब्राइटनेस एंड शेडोज भी आप जो एडजस्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर रिसेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, यहाँ पर फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर टाइमर का जो ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो है एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑफ ऑटो एंड ऑन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन काम करेगा एस्ट्रो मोड के साथ, प्लस यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस रॉ फोटोस का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फोकस के ऊपर ऑटो नियर एंड फार का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जो इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाके डेवलपर सेटिंग्स से यहाँ पर फोकस के ऊपर इन्फिनिटी का जो ऑप्शन उसे एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर एस्ट्रो मोड भी काम करता है, प्लस पोर्ट्रेट मोड भी काम करते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है, पर जो फुल HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर 4K 60fps का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस को 4K 60fps का सपोर्ट है तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ आप सिंपली 4K 60fps वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर टाइम लैप्स का ऑप्शन है, 1x 5x 10x 30x 120x का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर जो 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है, अगर आपके डिवाइस को 4K टाइम लैप्स का सपोर्ट है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, तो इस जीकैम के साथ आप सिंपली 4K टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर तो यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड स्टॉक कैमरा यूज करना अगर स्लो मोशन काम नहीं कर रहा है तो। एनीवे यहाँ पर फोटो एक्सपर्ट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो तो ये जो फोटो एक्सपर्ट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर जो है पैनोरामा का ऑप्शन है, आप सिंपली वाइड फोटो क्लिक कर सकते हो विदाउट वाइड एंगल लेंस, एंड इस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है एक्चुअली, जो कि आपको शायद अलग से एनेबल करना पड़े। एंड यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो, वॉल्यूम बटन के साथ जो वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली वॉल्यूम बटन को आप एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो इस जीकैम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डबल टैप टू जूम का ऑप्शन है, 10x तक जूम का ऑप्शन है, कैमरा के साथ 6.7x तक, एंड नाइट साइड मोड के साथ भी 10x तक, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है 3x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ना पर बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है सेटिंग्स मेनू के साथ। तो यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद इस तरह से सभी ऑप्शन है। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर इंटरफेस का ऑप्शन है, यहाँ पर पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 5A, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6A, पिक्सल 7 एंड पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर नया वाला जो पिक्सल डिवाइस का जो इंटरफेस है, कैमरा फीचर्स है, जो UI है, उसे भी आप जो एनेबल कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो सेलेक्ट करते हैं, पिक्सल 6 प्रो सेलेक्ट किया है, उसके बाद जीकैम को जो है यहाँ पर रीसेट करना होगा। गूगल कैमरा को रीसेट करने के बाद कुछ इस तरह से जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंटरफेस में जाके जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस के जो कैमरा फीचर्स, उसे आप जो है एनेबल कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, गूगल लेंस का सजेशन ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, आप सिंपली वॉल्यूम बटन को प्रेस करके फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जो है डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, HDR कंट्रोल रॉ फोटोज का ऑप्शन है, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, प्लस टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वाइट बैलेंस के साथ कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, वार्म टोन कूल टोन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने का ऑप्शन है,
यहाँ पर सेव सेल्फी सेस प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, EIS OIS का जो ऑप्शन है काम कर रहा है, एंड ऑडियो जूम का ऑप्शन, इसे एनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस हो जाएगा वीडियो में जूम करने के बाद। एंड यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहते, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, सिंपली GCAM का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।